आज हम बनाएंगे अंडे की दम बिरयानी। बहुत ही टेस्टी, झटपट से बन जाने वाली आसान सी रेसिपी है। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले एक खुले बर्तन में, जिसमें हमें बिरयानी बनाना है, इसमें डाल देते हैं 1 कप भर कर तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हमें ले लेना है 3 मीडियम साइज की प्याज, स्लाइस की हुई। प्याज को हम मसल के ऐसे खोल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये प्याज का बरिस्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। सारा तेल ड्रेन कर लेंगे और इसे किचन टॉवल पर हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हमें आलू को फ्राई करना है। 3 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, जिसे हमने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। आलू को हमें फ्राई कर लेना है, इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उबले हुए अंडों पर छुरी से हम इस तरह से हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट्स लगाने से अंडे फटेंगे नहीं, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम डालेंगे 1 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ताकि इस पर अच्छा सा कलर चढ़ जाए। 1/4 चम्मच डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे नमक। अब मिक्स करते हुए सारी चीजों को हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे अंडे रेडी हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे, इसे साइड में रख देंगे। चावल बनाने के लिए हम ले लेते हैं 3.5 से 4 लीटर पानी। इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच डाल देते हैं शाही जीरा, 2 डाल लेते हैं काली बड़ी इलायची, हरी मिर्च है इसे बीच से स्लेट करके डाल देंगे, नमक डाल देंगे 3 चम्मच भरकर, तेल डालना है 2 बड़े चम्मच भरकर, और नींबू का रस डाल देंगे 2 चम्मच भरकर। तेल और नींबू की वजह से चावल अच्छे खुले खुले बनेंगे। धोकर 1/2 घंटे के लिए भिगोए हुए ये बासमती चावल है 4 कप भरकर, इसे डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और हम इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक बना लेते हैं हम बिरयानी का मसाला। यही तेल जिसमें हमने अंडों को फ्राई किया हुआ है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 स्टार अनाइस डालते हैं, 1-2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है ये, 5 डालेंगे हरी इलायची, 6 लौंग, 1 डाल लेते हैं तेजपत्ता। खड़े मसालों को हल्का सा 1/2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है हमें। खड़े मसाले फ्राई हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। टमाटर का पेस्ट है ये 1 कप भर कर, इसे डाल देंगे। साथ ही साथ इसके डाल देते हैं कुछ पाउडर मसाले। 1 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरे का पाउडर, 2 चम्मच डालना है धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 3 हरी मिर्च डाल देते हैं 2 पीसेस में कटी हुई। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और मसाले को अब हम भून लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए। इसका तेल सारा सेपरेट होने लगे, कच्चापन चला जाए तब तक हम इसे भून लेते हैं। दही मैंने लिया हुआ है यहाँ पर फिटा हुआ, 1/2 कप भर कर इसे डाल देंगे। दही के साथ ही साथ डाल देंगे तली हुई प्याज जो हमने रेडी करके रखी हुई है। थोड़ी सी प्याज हम साइड में रख देंगे गार्निशिंग के लिए। प्याज डालने के बाद फिर से हम इसे चलाते हुए पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं ये अब डाल देना है। साथ ही साथ इसके डाल देते हैं फ्राई किए हुए बॉइल्ड अंडे। थोड़ी सी डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते। 1 चम्मच डाल देते हैं नमक। गरम मसाले की अच्छी फ्रेश खुशबू आ जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, करीब 1/2 चम्मच भरकर। इन सारी चीजों के साथ ही साथ हमें डाल देना है 1/2 कप भरकर पानी। हल्के हाथों से अब मसालों के साथ आलू और अंडों को मिक्स कर लेंगे। बस एक बॉईल आ जाए मीडियम फ्लेम पर तब तक हम इसे पकाएंगे। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब चावल जो हमारा बॉईल हो रहा है इसका सारा पानी ड्रेन करके इसे निकाल लेते हैं। ये 75% तक पके हुए चावल हैं। सारे चावलों को अच्छी तरह से हमें मसाले पर फैला लेना है। सारे चावलों को हमने इस पर अच्छी तरह से डाल दिया है। 1 चम्मच केवड़ा वाटर में मैंने 2 चुटकी भरकर ऑरेंज फ्रूट कलर मिक्स किया है, इसे डाल देते हैं। 2 बड़े चम्मच भरकर डाल देंगे घी इसके ऊपर। थोड़ी सी डाल देंगे तली हुई प्याज। थोड़ी सी डाल देते हैं बारीक कटे हुए पुदीना और धनिया के पत्ते। अब ढककर इसे हम दम पर पकने के लिए छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। चावल अच्छी तरह से दम हो जाए तब हम ढक्कन हटा लेंगे। चम्मच को नीचे से ऊपर चलाते हुए चावलों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे सर्व कर लीजिए दही वाले रायते के साथ या फिर सैलेड के साथ। बहुत टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली बिरयानी बनती है, ट्राई जरूर करें।